हम हजारों वर्षों से पेंट का उपयोग कर रहे हैं और उस समय के अधिकांश समय के लिए हम पिछली कुछ शताब्दियों में रंग को हाथ से पीसते और मिलाते रहे हैं। पेंट और पेंट फिनिश की बहुत सारी किस्में हैं। अनुसंधान और विकास विभाग लैब टेक्नीशियनों नए पेंट फॉर्मुलेशन पर काम करने के लिए हर एक को सावधानी पूर्वक विस्तार से ध्यान से बनाया, परीक्षण और निर्मित किया जाता है। पिगमेंट को बेस लिक्विड में अच्छी तरह मिला दिया जाता है। शाफ्ट के निचले हिस्से में एक ब्लेड होता है। ऐसा वर्णक लाल रंग अक्सर सिंथेटिक स्रोतों से आता है। दूसरी ओर सफेद आमतौर पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनाया जाता है, जो कई पेंट्स में एक महत्वपूर्ण तत्व है। विस्कोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके पेंट की मोटाई या शरीर का परीक्षण किया जाता है। एक लैब टेक्नीशियन ड्रॉ डाउन नामक एक कदम के लिए तैयार करता है। वो एक समान मोटाई पर पेंट को फैलाने के लिए एक विशिष्ट ऊंचाई पर एक बार सेट का उपयोग करता है। अन्य बातों के अलावा यह उसे रंग की चमक और पेंट के छिपाने के गुणों को मापने की अनुमति देगा। एक बार जब पेंट को कुछ दिनों के लिए सूखने दिया जाता है, तो तकनीशियन ब्रश पर एक अपघर्षक माध्यम रखने के बाद द स्क्रब टेस्ट नामक कुछ प्रशासित करते हैं। वे ड्रॉ डाउन को 800 तक बढ़ाते हैं। स्क्रब साइकिल, यह देखने के लिए कि पेंट को हटाने में कितना समय लगता है। हम हजारों वर्षों से पेंट का उपयोग कर रहे हैं और उस समय के अधिकांश समय के लिए हम पिछली कुछ शताब्दियों में रंग को हाथ से पीसते और मिलाते रहे हैं। पेंट और पेंट फिनिश की बहुत सारी किस्में हैं। अनुसंधान और विकास विभाग लैब टेक्नीशियनों नए पेंट फॉर्मुलेशन पर काम करने के लिए हर एक को सावधानी पूर्वक विस्तार से ध्यान से बनाया, परीक्षण के लिए आवश्यक कच्चा माल गोदाम में है। इस विशाल फैलाव का उपयोग 11,000 लीटर से अधिक पेंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। R&D विभाग में इसका परीक्षण पूर्ण पैमाने पर उत्पादन के लिए एक नया फॉर्मुलेशन यहां आता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड सही मात्रा में पाने के लिए पेंट के एक बड़े बैच की जरूरत है। इस विशालकाय बैग का वजन 500 किलोग्राम है। एक कार्यकर्ता कुछ छोटे बैग जोड़ता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वर्णिक निर्माण में एक प्रमुख घटक है। हल्का और उज्जवल पेस्टल जैसे पेंट रंगद्रव्य के फैलाव के बाद तरल एक दूसरे टैंक में जाता है, जिसे शेष अवयवों में मिलाने को लेडाउन कहा जाता है। ग्लॉस मीटर नामक एक उपकरण में कई दर्पण होते हैं, जो इसे प्रकाश की मात्रा को मापने हैं। इसमें प्रकाश विभिन्न कोणों से प्रतिबिंबित होता है। निरीक्षण के बाद पेंट पैकेजिंग के लिए तैयार है। एक कार्यकर्ता टर्नटेबल पर पेंट के डिब्बे लोड करता है, जो उत्पादन लाइन घुमावदार रेल में डालेगा। उत्पादन लाइन पर पहले चरण के लिए उन्हें स्थिति में रखते हुए पेंट के डिब्बे को उनके किनारों पर घुमाया। पैकेजिंग प्रक्रिया में पेंट के डिब्बे की प्लास्टिक की दीवारें गर्म गोंद के मोतियों को उठाती हैं, जो एक मुद्रित लेबल का पालन करते हैं क्योंकि वे उस पर लुढ़कते हैं। पैकेजिंग लाइन और फिर पेंट के डिब्बे को 6 फिलिंग हेड्स की एक श्रृंखला के तहत रखा जाता है। प्रत्येक पेंट वजन से ट्रिगर विशेष रूप से कैलिब्रेटेड लोड कोशिकाओं पर बैठ सकता है। ये कोशिकाएं प्रमुखों को बताती हैं कि पेंट भरने से पहले कब भरना बंद करना है। एक चिकनी पेंट सुनिश्चित करने के लिए एक निस्पंदन प्रणाली पैकेजिंग लाइन के अगले चरण में एक तंत्र को खत्म करना। प्रत्येक ढक्कन एक पेंट कैन पर उल्लास पहिया तारे पलकों को पूरी तरह से संरेखित करें। रोलर्स की एक श्रृंखला मजबूती से ढक्कन को जगह में दबाएं। पेंट के डिब्बे को सील करने से एक छोटा डिटेक्टर लाइन को रोक देगा। यदि यह एक ढक्कन इंकजेट प्रौद्योगिकी प्रिंट नहीं देखता है, तो ढक्कन पर एक कोट जिसमें पेंट उत्पादन प्रक्रिया का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। यह पेंट के डिब्बे के लिए समय है। इस कदम के लिए उनके हैंडल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण बेलोमेटिक कहा जाता है पेंट के डिब्बे के कानों में खुलने में आकार और तार की लंबाई को काटता है। पेंट अब भेजने के लिए तैयार है। प्राचीन दुनिया में मनुष्यों के पास केवल गिने चुने कुछ रंग थे। हम एक लंबा सफर तय करने के बाद आज लगभग किसी भी रंग की कल्पना करने के लिए आधुनिक पेंट को मिक्स किया जा सकता है। इसी प्रकार के ज्ञान बनाने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।